हमारे अधिकारी जो हमारे हमारे मौलिक अधिकार है उनसे लड़के अपने शेखर भाई को बाहर निकलवाओ, उन पर रासुका लगा दी। कौन सा उन्होंने गलत काम किया है, कौन सा नक्सलवादी उन्हें बताते हैं कि नक्सलवादी है, वो नक्सलवादी नहीं है। वो तो बहनों को सम्मान देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। समाज योगी सरकार हम तो इस सरकार तो बाज आ गए। देखो हम तो इस सरकार को नहीं चाहते, सरकार को हम तो अपना चंद्रशेखर चाहिए। चमार का आदमी मार का दरवाजे में घेर देंगे, वो जाकर रुपए भर देंगे, चमार अपना अपने को रो जाओ बैठी उन्हें सारा को जेल में कर देंगे। क्या है कायदा, यो कायदा क्या है बताओ। योगी योगी नाथ है तो मंदिर में बैठने लायक है, यो राजनीति करने लायक है। हमारे रोहित भाई वेमुला जो थे में भी समाज की आवाज उठाने के लिए आगे आए थे, उनको भी दबा दिया गया है, उनको भी निपटा दिया गया है। तो ये जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई आए हैं, इन समाज की आवाज लेकर आए हैं, तो इनको भी ऐसे ही किया जा रहा है, रासुका लगा दिए। उनके जो राम रहीम जी है उन्हें तो अच्छा खाना दिया जा रहा है, सब कुछ उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, पर जिसने देश के लिए दलितों के लिए भीम आर्मी जो हमारा ग्रुप है उसके जो चंद्रशेखर जी एडवोकेट हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा जेल में, और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। भूख हड़ताल करेंगे मरेंगे, हम ना तो सीधा कहा मरेंगे उसकी खातर, हम तो कह रहे मरेंगे उसकी खातर, हम बैठेंगे वहाँ जाकर, नहीं इंसाफ नहीं लगा। 50 रुपए मजदूरी क्या करा, हम उसे खा नहीं सकते, तो हम तो जब हम उसे सही तरीके से हम खा नहीं सकते और खाण नहीं देती सरकार, तो हम तो क्या करेंगे, भूख के ही मरेंगे वहाँ से, हम भूख हड़ताल करेंगे। हम भूख हड़ताल पर इसलिए क्योंकि 5 तारीख को जो हम लोगों पर अत्याचार हुआ है दलित लोगों पर, और जो मतलब राजपूत लोग में ऐसे ही हैं, कोई जेल वगैरह नहीं गए हैं, जो गए हैं छोड़ दिए गए, और जो दलित लोग हैं हमारा मेरा भाई सोनू भी है और छोटा भी है और शिव कुमार प्रधान जी भी है और चंद्रशेखर आज़ाद और रावण भी है, उन पर रासुका लगाई गई, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये भूख हड़ताल से आपको उम्मीद है कि ये सरकार कुछ सुनेगी? कुछ तो सुनेगी, मोदी योगी बेकार है, किसी लायक नहीं है, सरकार चलानी नहीं आती, उसके पास का कुछ नहीं है जी। सरकार बाबा जी को मंदिर में बैठना शोभा देता है, सरकार चलाना है। हम जी एक भरो आंदोलन करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जो भी कुछ होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। किसी की डकैती नहीं करी, किसी का चोरी नहीं करी, क्यों उनकी रासुका लगा जा रही, क्या मतलब उनकी रासुका फूट कर आएगा, ये सोच रहे कि जहाँ से पैर की जुती पैर मरा, पैर की जुती जरा पैर मरा, फिर सिर पर लगा जाएगा, समझा नहीं कि अब पहला सोचा था कि अनपढ़ आदमी है, कि इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में सोच रहे पढ़े लिखे बरान फिर रहे, कि ना सब पढ़े लिखो को जेल में गेर रहा, यहाँ कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्यों हो जा रहा था कि सब इनकी कमाई खा रहे, ये सब ज्यादा मेहनत करे, फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है, जमार दलित जब इनकी कोई जरूरत नहीं है तो फिर वोट क्यों मांगते हैं, क्यों इनकी सारी समस्या ये करते हैं हली, ये प्रधान मोदी ने बनाया, हमारी वजह से ही बना नहीं गई, बन जाता ये मोदी भी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर व जिला अध्यक्ष कमल सिंह वालिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजीत सिंह नोटियाल के द्वारा यह जानकारी मिली कि आज प्रातः काल के समय भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और रावण पर रासुका की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। यह कार्रवाई अगर तत्काल नहीं रोकी गई तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन वे पूरा बहुजन समाज वे दलित मुस्लिम भूख हड़ताल वे जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। पूरी तरह दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है और भीम आर्मी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई असावधानी पर दमनकारी है, इसका विरोध पूर्ण भीम आर्मी व
मैं भारत का समस्त भोजन निंदा करती हूँ, इसका विरोध करता है। इसके बाद अगर शासन के दबाव में आकर प्रशासन भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी पर गैर कानूनी कार्रवाई करता है तो भीम आर्मी बहुजन समाज जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। भाई चंद्रशेखर, तुम अकेले नहीं, इस देश में सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग तुम्हारे साथ कल भी थे, आज भी और हमेशा रहे। हम हर कीमत पर भीम आर्मी की जो लड़ाई है वो आगे बढ़नी चाहिए।